मैं लोगों को आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि वो जहां जहां उनको वाटर सप्लाई मिलती है वहां नजदीकी लैबों में जाकर के वो अपने वाटर क्वालिटी को चेक कराएं और इसके हवाले से बात करें। वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जो पाइपें हमें नहीं मिल रही है। तो आप सबका खुश आमदीद करते हैं, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट, मैं हूं आपका मेजबान फयाज जमाल। पर मुजनाजरी आज बात करेंगे जल जीवन मिशन के हवाले से, और इस वक्त हमारे साथ जो मिशन जो है जल जीवन जम्मू कश्मीर, ये डॉक्टर जी एन इतू साहब, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब जल जीवन मिशन के हवाले से बात करें, स्टेटस जल जीवन मिशन का क्या? देखिए जैसा कि आपने खुद बताया कि जल जीवन मिशन जो एक नेशनल लेवल फ्लैगशिप प्रोग्राम है और जिसमें हर घर नल से जल जो है का जो नारा दिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में, तो इस हवाले से पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जो काम इस वक्त वो शदमत से जारी है। और नो डाउट शुरू में कुछ मुश्किल जरूर आई थी टेंडरिंग के हवाले से, कुछ रेस्पॉन्स हमें नहीं आया था, कुछ हमारे कट ऑफ एरियाज हैं, वो सारे इश्यूज अब सॉर्ट आउट हो गए हैं। ऑलमोस्ट जितने जो प्रोसेसेस कर रहे थे वो कंप्लीट हो गए, और इस वक्त तक अगर आप देखेंगे जो हमारा टोटल टारगेट जम्मू कश्मीर में हमारा है, जहाँ हमें कवरेज करना है, वो हमारा जो है अराउंड 18 लाख के करीब हमारा टारगेट है। उसमें से हमने ऑलरेडी जो है वो 60% के करीब कवर किया है, 40% जो है वो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे पाइप कनेक्टिविटी का मसला है, सोर्स का मसला है, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट ने डेडलाइन इसके लिए मुकर की है कि कब तक करना है, दैट नो मिशन विल बी कम्प्लीटेड। जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, बहुत सारे इलाके आज ये हैं जो पानी के बिना अब विंटर चला गया। इससे पहले जब हमने आपसे बात की आपने कहा था कि मार्च और अप्रैल में जो है काम शुरू होगा, तो सर जिला कुलगाम में आप आए हैं तो यहाँ पे बता दीजिएगा इसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है और कब तक ये जो है टारगेट मुकम्मल करें। देखिए मैं आपको बता दूं कि हमारा यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 177 के करीब हमारे काम है, और उसमें से अगर आप देखेंगे जो अभी जो हमारा टेंडरिंग प्रोसेस चला है ऑलमोस्ट हमारा जो है 70-80% कामों पे जो हमारे टेंडरिंग हो चुकी है, और जो 20% कामों के होंगे वो विदिन डेज हो जाएगा, उसमें कुछ टेक्निकल इशूज के भी सॉर्ट आउट हो गए हैं। और मुझे खुशी है कि जो यहाँ पे हमें टारगेट मिला था उसका ऑलमोस्ट हमने 60% पहले ही कवर कर थी, तो कुछ अपग्रेडेशन की चीज़ें थी वो सारी हो चुकी है, और रिमेनिंग जो काम है वो मुझे लगता है उस पर काम ऑलरेडी चल रहा है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमने इसके लिए टाइमलाइन फिक्स की है उसके हिसाब से पूरे जो प्रोग्राम जिले को भी कवर किया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जो अभी हमारी इंजीनियरिंग टीम काम कर रही है दे आर ऑन द जॉब, एंड वी होप दैट एज पर द टाइम लाइन जितने काम हमारे हैं वो मुकम्मल किए जाएंगे, और जो यहाँ के लोगों की डिमांड है विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ द वाटर, क्वान्टिटी ऑफ द वाटर, वो सारा जो है पूरा किया जाएगा। और ख़ासतौर से जो क्वालिटी ऑफ वाटर पर जोर दिया जा रहा है हमारे यहाँ पे टेस्टिंग लैब्स डिस्ट्रिक्ट में, मैं लोगों को आपके माध्यम से गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ जहाँ उनको वाटर सप्लाई मिलती है वहाँ नज़दीकी लैबों में जाकर के वो अपने वाटर क्वालिटी को चेक कराएं, और ये देखेंगे जो उनको पानी मिल रहा है क्या वो सही पानी मिल रहा है, पीने के लायक मिल रहा है। अगर कोई उस वाले से कोई शिकायत है तो इमिडिएटली जो है वो हमारे अमले की नोटिस मिलाएं और एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस मिलाएं ताकि तदाबीर ऐसे हो। डॉक्टर साहब यहाँ पे आखिरी सवाल, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से बात करें वो कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी जो पाइपें हमें नहीं मिल रही है। देखिए इसका हमारा डेली बेस पे रिव्यू हो रहा है, और जस्ट 2 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इसका रिव्यू ले लिया है, और जो पाइप प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो भी ट्रैक पे है, और ज़रूर इसमें शुरू में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन चूंकि अब ये जो है स्ट्रीम लाइन उसकी पूरी हो चुकी है और उसमें टाइम लाइन फिक्स की गई है किस डिवीजन को कितनी पाइप मिलनी है, किस हिसाब से मिलनी है, वो सारा मोबिलाइज हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो शिकायत भी दूर होगी। वो देयर आर सम इश्यूज जो सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और पाइप प्रोक्योरमेंट के हवाले से कोई शिकायत नहीं रहेगी, और जो ठेकेदारों का ये कहना है कि पाइप जो है उनको उसकी वजह से काम रुके हुए हैं उसको हम प्रायोरिटी पे सॉर्ट आउट करें, खास से जहाँ पे मक्के वगैरह लगाई जाती है तो उन एरियाज को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा, और हम लोग इंटैच हैं सारे एजेंट से, उन एरियाज की डिटेल भी वो दे रहे हैं, आने वाले दिनों में वो इशू भी सॉर्ट आउट। चलिए डॉक्टर साहब आपने एक घंटे वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ेदार आपने डॉक्टर जी एन इतू साहब की बात सुनी, और डॉक्टर जी एन इतू साहब ने साफ ये कहा कि बहुत जल्द जो है पूरे जम्मू कश्मीर के हर घर तक जो है नल पहुंचेगा अंडर द स्कीम ऑफ जल जीवन मिशन। आप देखते रहे जेके न्यूज पॉइंट, इस वक्त कुलगाम से जेके न्यूज पॉइंट के लिए मैं फयाज जमाल पर।